हेलो दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने ए सीरीज में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। आज इसके बारे में बात करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप मेरी वीडियो देख सकें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इस बॉक्स के बारे में। इसमें कुछ फीचर्स वगैरह हाईलाइट किए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको व्हाइट कलर का बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए। इसके बैग में कुछ हाईलाइट फीचर्स किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गैलेक्सी A23 5G की ये डिवाइस दी गई है, स्मार्टफोन है। इसमें आपको मिलने वाला है ब्लू फ्री कैमरा, 50 MP का वॉइस कैमरा मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है इसमें, और 5 mAh की बैटरी और 25 W का फास्ट चार्जिंग भी साथ में इसमें मिलने वाला है दोस्तों। और 6.7 इंच इसकी डिस्प्ले है, और इसमें पीछे की बैक साइड में इसमें 4 कैमरे मिलने वाले हैं इसमें, और इसके अंदर जो जो निकल रहा है इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह सब दिए गए हैं, देख सकते हो आप। इसमें आपको मिलने वाला है एक एडाप्टर, एक केबल, एक सिम इजेक्टर और एक मैनुअल कार्ड। इसमें कुछ MRP वगैरह मेंशन की गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 29,999, लेकिन इसकी इतनी प्राइस नहीं है। इसमें 2 वेरियंट आते हैं, 8 GB RAM, 128 GB ROM और 6 GB RAM, 128 GB ROM। इसमें आप देख सकते हो, मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। इसमें आपको एक मिनी बॉक्स मिल जाता है देखने के लिए, इसमें जो इसमें सिम इजेक्टर लगी है इसमें, और इसमें एक डिवाइस मिलती है, और इसमें आपको 25 W का एक चार्जर मिल जाता है देख सकते हो आप। इसमें और भी कलर आते हैं, लेकिन अपन ना सिल्वर कलर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसमें एक Type-C डाटा केबल भी मिल जाती है। जैसे कि आप बात करते हैं इस डिवाइस के बारे में, इस स्मार्टफोन के बारे में, देख सकते हो सिल्वर कलर दिया गया है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव पीस है दिखने में। लुक डिजाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा, एकदम सैनी लुक के साथ, आपको डिजाइन के साथ, लुक के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है मोबाइल। इसमें बैक पैनल की बात करें तो प्लास्टिक लुक दिया गया है इसमें, बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक दी गई है, दिखने में लुक डिजाइन से काफ़ी अच्छा है। इसकी बॉटम की बात करते हो तो आपको बॉटम में 3.5 mm का ईयरफोन देखने के लिए मिल जाता है, और इस साथ ही में आपको चार्जिंग सॉकेट नीचे देखने के लिए मिल जाती है, और नीचे ही आपको स्पीकर भी मिल जाता है देखने के लिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दिखने में लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें 5 mAh की बैटरी दी गई है, इसमें पोलियम लिथियम इसकी बैटरी दी गई है, जो काफ़ी अच्छे बैटरी बैकअप देगी। इसकी इधर की साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड की, तो इसमें आपको सिम इजेक्टर, सिम वगैरह डलती है इसमें साइड में, इसमें डुअल सिम डल जाती है और कि मेमोरी कार्ड भी डल जाता है इसकी। इधर की साइड, राइट साइड की बात करते हैं, तो इसमें फिंगरप्रिंट साइड में मिल जाता है, और साइड में वॉल्यूम के ऑन आउट बटन दिख जाता है। लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें पीछे 4 कैमरे दिए गए हैं, जो काफ़ी अट्रैक्ट है। इसमें 50 MP का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, और 5 MP का माइक्रो कैमरा, और प्लस आपको 2 MP का आपको डेप्थ कैमरा दिया गया है विद फ्लैश के साथ। लुक यह हमसे काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसमें एक और कलर आता है, इसमें 4 कलर आते हैं, मतलब इसमें एक ब्लू कलर आता है, सिल्वर कलर आता है, और एक ऑरेंज कलर आता है इसमें, और ब्लैक कलर आता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और कलर आता है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मैं उसको पिन कर दूंगा, आप जरूर देख लें उसमें। और इसमें ना एक और कलर आता है ना, उसकी भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। इसमें एक ऑरेंज कलर आता है, उसकी भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसको ऑन करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हो इसमें 120 GHz इसकी रेफ्रेश रेट है, जो चलने में स्मूथ काफ़ी अच्छा है। इसकी भी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करती है तो एकदम AMOLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है इसमें, और डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसको आपको वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन मिल जाती है देखने के लिए। और फ्रंट कैमरे की बात करते हो तो फ्रंट कैमरा 8 MP वाइड एंगल कैमरा दिया गया, फ्रंट कैमरा देख सकते हो आप। इसकी प्राइस की बात करते हो तो प्राइस है ना, इसकी अलग अलग प्राइस दी गई। जैसे कि अमेजन से खरीदते हो आप तो आपको 30,000 में मिल जाएगा, और फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो आपको 25,000 में परचेस हो जाएगा। कलर का भी हिसाब है, जैसे कलर कोई थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है इस मोबाइल में। देख सकते हो मेरे अबाउट में, आपको देख सकते हो गैलेक्सी A23 5G मोबाइल है वाला, देख सकते हो मैंने अबाउट में दिखाया था। इसकी सेटिंग वगैरह भी इसकी चेक करा दी है मैंने। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। AMOLED डिस्प्ले दी गई है, 6.7 इंच की इसका साइज है, वाटर ड्रॉप स्क्रीन दी गई है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। सैमसंग गैलेक्सी A23 काफ़ी बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है मोबाइल, लुक के हिसाब से काफ़ी पसंद आया मुझे भी। इसमें कैमरा टेस्टिंग की बात करूँ तो मैं आपको कैमरा टेस्टिंग भी आपको चेक करा दे रहा हूँ लाइव। जैसे कि आप देख सकते हो इसके बैक कैमरा इसमें 4 में आपको सेटअप में देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि 50 MP का वाइड एंगल कैमरा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का डेप्थ कैमरा, 2 MP का माइक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है आपको। कैमरा टेस्टिंग की बात करते तो कैमरा टेस्टिंग में आप मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लाइव टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई एडिट किया हुआ है मैंने, मैं हमेशा लाइव ही दिखाता हूँ जितने भी। इसमें आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाता है मोड में, आप देख सकते हो तो इसमें प्रो मोड मिल जाता है, प्रो नामा मोड मिल जाता है, इसमें नाइट मोड भी मिल जाता है, माइक्रो इसमें देख सकते हो आप,
मैक्रो मोड मिल जाता है स्लो मोशन में, इसमें दिया गया है दोस्तों। और इसमें ना देख सकते हो आप बैक कैमरे, कैमरा अच्छा लगा आपको, कैसा लगा कैमरा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। मैंने फ्रंट कैमरे से कुछ पिक्चर लिए थे, मैं फ्रंट कैमरा अभी टेस्टिंग करा के दिखा दे रहा हूँ। मैंने इसमें मैंने पिक्चर ले रखे हैं, इसमें पहले से एक दो चार कैप्चर करके रखा है मैंने, देख सकते हो। मैंने पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो लिया था, फोटो मोड 8MP का है जो फ्रंट कैमरा, इससे मैंने कुछ फ़ोटो लिए हैं, देख सकते हो आप। फ्रंट कैमरा ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है बस प्राइस के हिसाब से। अगर आप सैमसंग परचेस करना चाहते हो ये परचेस कर सकते हो दोस्तों। इसकी मैं लिंक क्या ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट अमेजन की दोनों की, अगर परचेस करना चाहते हो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको कैसा लगा मोबाइल मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें एक कलर आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी, आप अंत तक वीडियो तक जुड़े रहिए दोस्तों बिना स्किप किए। लुक डिजाइन से वेट की बात करते हो 190 ग्राम इसका वेट दिया गया है दोस्तों। और इसकी स्लिम की बात करते हो तो 8.4 mm की इसकी साइड दी गई है, स्लिम नहीं है, थोड़ा हल्का सा मोटा सा टाइप में, स्लिम नहीं कह सकते इसको दोस्तों। कैसा लगा मोबाइल? मोबाइल काफ़ी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी प्लास्टिक दी गई है इसकी बैक डिज़ाइन में इसके, और हाथ में पकड़ने पर काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। अगर सैमसंग की इसमें बैटरी की है, 5000 mAh की बैटरी है, लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है, जो मतलब एक दिन आपका बैटरी का चला सकता है, आप एक दिन में आप यूज़ करोगे ना एक दिन आपका बैटरी बैकअप रहेगा नॉर्मली। लुक डिज़ाइन हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसकी एक कलर आता है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कलर मैंने देखा है, ऑरेंज कलर का है जी, काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, ये भी कलर अच्छा है इसमें, लेकिन आपको शाइनिंग लुक नहीं मिलता है, और इसमें आपके कोई फिंगर नहीं पड़ेंगे, जैसे कि आप चला यूज करते हो आपके पीछे फिंगर नहीं चपेंगे, वो उस कलर में आपके फिंगर भी दिखते हैं उसमें, जैसे कि देख सकते हो। आपको मैंने दोनों कलरों में से आपको कौन सा कलर बेस्ट लगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कि आप देख सकते हो मैं दोनों कलर को अभी साथ में कंपेरिजन करा के दिखाऊंगा आपको, जैसे कि देखते हो। अब मैं दिखाता हूँ अपन दोनों कंपेरिजन करके, ये दोनों कलर मैंने आपके साइड में रख दिए दोनों डिवाइस को, आपको बताइए मुझे आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा आपको। अगर आपने एक और कलर आता है इसमें, मैंने उसकी भी अनबॉक्सिंग करके दिखाई है दोस्तों, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आपने नहीं देखी वीडियो वो आप भी देख सकते हो। आपको परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस शुरू कर लीजिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो साथ दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं डेली प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो साथ, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।